फ्रेंड्स, नमस्कार करता हूं सभी। तो मैं हूं सौरभ जैन और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेनिस्ट्री फास्ट फूड में स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहां पर भैया ने चाउमीन के लिए पानी को गैस पर रख दिया है। अब इसको हम थोड़ा गर्म होने देंगे, उसके बाद हम चाउमीन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले आपको पानी को गर्म कर लेना है, उसके बाद हम चाउमीन डालेंगे इसमें। तो यहाँ भैया काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चाउमीन बना रहे हैं, तो इसलिए भैया ने यहाँ पर पानी की क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा रखी है। तो पहले पानी को गर्म कर लेंगे, उसके बाद हम चाउमीन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं भैया ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चाउमीन के पैकेट लिए हैं, जो भैया आज शादी के लिए बना रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं पानी भी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें चाउमीन को डालना शुरू करेंगे। तो जैसे ही आपका पानी गर्म हो जाए तेज, उसके बाद इसमें चाउमीन को डाल देना है। और आगे का भी रेसिपी बताते हैं आपको क्या करना है। तो पहले हम चाउमीन को डाल देंगे। बढ़िया है, फिर हमें बोलने की ना डालो डालो भैया, फूलो फूलो भाई, बोलो भाई साहब। तो यहाँ आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज्यादा क्वांटिटी में चाउमीन को भैया बना रहे हैं। तो ये देख सकते हैं हमने पानी गर्म पानी में डाल दी चाउमीन, तो आपको गर्म पानी में ही चाउमीन को डालना है। ये देखिए, इस तरह से आपको चाउमीन को उछालते रहना है, सिर्फ 2 से 4 मिनट तक ऐसे ही इसे पकाते रहना है। और इसे चेक करके देखना है कि चाउमीन हुई है कि नहीं हुई, उसका प्रोसेस भी आपको बताएंगे कि किस तरह से चाउमीन चेक करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। आप भैया चाउमीन चेक करके देखेंगे। तार आवे क्या आवे? तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं चाउमीन हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं अब हम इसके पानी को निकाल लेंगे। चलो भैया उठाओ, देख लो 2 3 4 5। चलो भाई, ये पता है कि मैं घर के झूठे हुआ था, लोग कह रहे ज्यादा बन गई, पूरा ड्रम बंट दिया अपने सौदा के चक्कर में। और हरियाणा पैरों पाए रे, हरियाणा भी कपड़ा दो, देखो बहुत बाबा के ढक्कन थे उठा रहे थे, किसी बाहर निकल गई है कौन घुस रहा बीच में, हमें पानी निकाल दे एक बार, नहीं सौरो ये उठाने पे फोटो तो फ्रेंड्स, आपको चाउमीन में पानी डालकर इसी तरह से 2 से 3 बार ठंडा कर लेना है, जिससे कि चाउमीन गर्म ना रहे, वो नॉर्मल हो जाए। तो इसलिए आपको 4 से 5 बार इसमें पानी को निकाल देना है ठंडे पानी में। चामुन इस तरह से आपको चामुन में से पानी निकाल देना है। और ये देखिए भैया इसमें रिफाइंड ऑयल लगा रहे हैं, जिससे कि ये चिपके नहीं। तो इसी तरह से आपको रिफाइंड ऑयल लगा देना है और इसे किसी भी पानी से और इसे किसी भी कपड़े से ढककर रख दें और इसे अब बनाकर आप रेडी कर सकते हैं। तो ये हमारी चाउमीन तैयार है, अब हम चाउमीन बनाना स्टार्ट करते हैं।
तो ये देखिए भैया ने इसमें रिफाइंड ऑयल को डाल दिया है। अब भैया इसमें प्याज और शिमला मिर्च को भी इसमें ऐड कर देंगे। और ये देखिए ऊपर से डाल दिया भैया ने इसमें पत्ता गोभी अजीनोमोटो। तो पहले हम प्याज और बंद गोभी को अच्छी तरह से भून लेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें और मसाले डालेंगे। ये देखिए यहाँ पर भैया ने प्याज और शिमला मिर्च को अच्छी तरह से भून कर अब इसमें चावमीन को डाल दिया है। अब इसमें भैया मसाले को ऐड करेंगे। ये क्या चीज़ है? काली मिर्च, दखनी, दखनी मिर्च, गरम मसाला, गरम मसाला, ये नमक, पीली मिर्च, विनेगर, सोया सॉस। तो ये देखिए भैया ने यहाँ पर सारे मसाले डाल दिए हैं। अब भैया इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी चावमीन बनकर तैयार हो जाएगी। तो पहले हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से भून लेंगे, उसके बाद हम चावमीन को सर्व करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी चावमीन बनकर रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ आपकी ये वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।